मैनपुरी में दबंगों ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला, कोतवाली पुलिस ने किया दर्ज मुकदमा। अब देखना है कि मैनपुरी पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है या करती है खाली खाना पूर्ति, जबकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी पत्रकारों पर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुश्किल जान बचा के पुलिस हमें लेके आई, लेकिन अभी तक पुलिस का जो रवैया है, तहरीर ले ली गई, हट्टरे और गुंडरे क्योंकि ताकतवर व्यक्ति हैं, स्थानीय हैं और माफिया भी हैं। एक खनन माफिया है, नाम है शिवम चौहान, दूसरा उसी के सब गुरखे हैं, क्योंकि वहाँ से अर्निंग होती है तो कार्रवाई पत्रकार और पत्रकार के परिवार पर हमला हुआ है, हमलावर ताकतवर हैं तो कार्रवाई कैसे हो। कितने लोग घायल हुए घटना में? हम करीब 9 लोग हैं, 9 लोग घायल हैं, काफी गंभीर घायल हैं। और कोई वो हुई है, क्षति पहुंची है चोट के अलावा कोई और भी? सब फटे हुए हैं, सब बेहोश हो गए थे, मोबाइल छीन लिया, मोबाइल तोड़ दिया है, तोड़ दिए गए हैं, गाड़ी हमारी फोड़ दी गई। हो सकता है कि बच्चे ने कुछ कहा हो, इसको लेके मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मैडम दोनों बच्चों को अच्छी तरीके से पिटाई कीजिए आप, क्योंकि आगे से कोई गलती ना कर सके। उसके बाद मैंने भतीजे को घर बुलवाया और जानकारी की तो सब कुछ निकल के आया कि उलट